हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आज की वीडियो में विक्रम वेदा के बारे में बात करने वाले हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफ़ी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से 2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति रीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफ़ी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से
2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12,50,14,000 का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10,58,00,000 का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से 2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12,50,14,000 का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10,58,00,000 का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से
2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से 2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से
2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से 2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से
2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से 2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से
2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से 2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से
2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से 2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से
2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से 2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से
2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से 2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से
2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति रीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से 2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति रीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से
2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से 2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से
2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफ़ी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से 2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफ़ी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से
2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेदा सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। विक्रम वेदा को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। ऑडियंस इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फिल्म ने पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं किया था। दूसरे दिन विक्रम वेदा से बेहद बिजनेस करने की उम्मीद थी, मगर दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। विक्रम वेदा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा में रोहित सराफ और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही है। इस फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है। दूसरे दिन विक्रम वेदा के कलेक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आइए जानते हैं कलेक्शन के बारे में, बात करते हैं इस वीडियो में। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ 50 लाख 14 हज़ार का बिजनेस किया है। फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ 58 लाख का बिजनेस किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 22 से 23 करोड़ हो जाएगा। 190 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ रिलीज हुई फिल्म के लिए एक कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद रविवार को की जा रही है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फिल्म कमाल दिखा सकती है। फिल्म पहले वीकेंड तक 40 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। विक्रम वेदा की बात करें तो एक इसी नाम से 2017 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए थे। इसी बीच पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था। विक्रम वेदा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं।